Friends, everybody today is seeking for development. सब अपनी development करना चाहते हैं और ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर हम अपनी development ही नहीं करेंगे तो how will our society grow? How will we improve as a society? So my dear friends, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी development की सोच रहे हैं और उसमें आप success की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कभी fame ढूंढ रहे हैं, कभी money ढूंढ रहे हैं. अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल भी जाए और अगर फिर भी आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब हों तो विल यू बी एबल टू एन्जॉय ऑल ऑफ दीस? क्या आप सक्सेस, फेम, मनी को एन्जॉय कर पाएंगे अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं? तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे और मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल दूंगा, व्हाट इज़ बिहाइंड रिलेशनशिप्स. सो माई डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फॉर फ्यूचर वीडियोस. सो माई डियर फ्रेंड्स, हम हमेशा सोचते हैं कि दिस इज़ माई राइट एंड इट इज़ हिज और हर ड्यूटी. हमारी सोच का दायरा आज ऐसा है कि हम जिस भी रिलेशनशिप में हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि इट इज़ माई राइट, कि उसने ये कुछ किया तो वो मेरा राइट ही था एंड इट वॉज हिज और हर ड्यूटी टू डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में जो है, तो उसमें हम देखते हैं कि एक फादर सन एक्सपेक्ट करता है कि मेरा फादर मेरे लिए बहुत कुछ करे और ये भूल जाता है कि उसके लिए उसके पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है टू फुलफिल. हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशनशिप है तो उसमें भी हम ये मान लेते हैं कि ये तो मेरी वाइफ है या ये एक लड़की है तो इसे मेरे लिए खाना बनाना ही पड़ेगा. सो शी नीड्स टू डू दैट, इट इज़ हर ड्यूटी, और मुझे खाना वो खाना है, ये तो मेरा राइट है, मुझे तो फ्री में मिल ही जाना चाहिए विदाउट डूइंग एनीथिंग. तो इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप वी आर जस्ट सीकिंग कि ये तो मेरा राइट है एंड इट इज़ हिज और हर ड्यूटी. बट अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को सॉलिड, अच्छा रखना चाहते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप दोनों तरफ का ध्यान रख रहे हैं. यू नीड टू एन्श्योर कि आप इन दो सेंटेंसेस का ध्यान रखें कि वॉट इज़ माई राइट एंड वॉट इज़ माई ड्यूटी, और दूसरी तरफ what is her right or his right and what is his or her duty. अगर ये दो sentences आपने याद रखे, ये चार चीज़ें कि मेरा right क्या है, मेरी duty क्या है, उसका right क्या है और उसकी duty क्या है, अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो your relationships will always be sorted my friends. और आप जानते ही हैं कि आपके लिए relationships कितनी important हैं. अगर आप सक्सेसफुल भी हो गए, आप फेमस भी हो गए, आपके पास ढेर सारा पूरी दुनिया का पैसा भी आ गया, तो आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं. और आप सब समझते हैं कि इस लाइफ में हैप्पीनेस का क्या रोल है. अगर हैप्पीनेस नहीं है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दिस माई फ्रेंड्स. सो मेक श्योर यू कीप योर सेल्फ हैप्पी बाई कीपिंग ऑल योर रिलेशनशिप्स गुड टू गो. तो माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल बी देयर बिफोर यू सम टाइम अगेन सून. थैंक यू वेरी मच.